नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लव सविता किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाना की बर्फ़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और नवरात्रि स्पेशल ही बर्फ़ी है। आप इन्हें बना सकते हैं, 9 दिन तक ये चल जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती खाने में, और इन्हें आप खा लें तो लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगती है। तो ये कैसे बनाई जाती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ये बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है ये, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता खाने में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर गैस को कर लेते ऑन। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है। यहाँ पर एक कटोरी मैंने साबूदाना लिए हैं। साबूदाना आप छोटे बड़े कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो। तो मेरे पास ये मीडियम साइज़ के साबूदाना है। इनको हम भून लेंगे। भूनने से ना ये सॉफ्ट हो जाएंगे, जिनकी बर्फी अच्छी लगेंगी खाने में। तो ये भून चुके हैं, एक प्लेट में इन्हें निकाल देते हैं और इन्हें ठंडा होने के लिए हम रख देते हैं। तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो इन्हें ठंडा होने के बाद ही आप इसे, ये देखिए अब इन्हें रख देते हैं। तो चलिए आगे की तैयारी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है, उसमें यहाँ पर मैंने ये गर्म दूध डाला है। इसमें आप गर्म दूध ही लें। यहाँ पर मैंने 1.5 कप ये दूध डाला है जो कि गुनगुना है। अभी यहाँ पर देखिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है 1 कटोरी। अभी थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। गर्म दूध में मिलाने से ना ये जो मिल्क पाउडर गर्म दूध में मिलाएंगे ना, तो इससे ये जो लम्स नहीं बनेंगे, अच्छी तरह से मिल्क पाउडर मिल जाएगा। अभी थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छी तरह से इसे मिलाते जाएंगे। मिल्क पाउडर डालने से थिकनेस सी आ जाएगी बर्फी में और खाने में भी बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर 1 कटोरी मैंने ये मिल्क पाउडर डाला है। अभी अच्छे से ना इसे घोल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मिला लिया है ये, इसमें कोई लम्स नहीं है, तो इसे साइड रख देंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ पास से। ये देखिए अभी चलिए साबूदाना भी ठंडा हो चुका है, तो इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे। जो छोटे वाला जार होता है ना, उसमें डालकर इसे पीस लेना है। और ये 2 से 3 बार मिक्सी को रुक रुक के चलाने से ही अच्छी तरह से इसका पाउडर बनेगा। तो चलिए पीस लेते हैं। ये देखिए मैंने इसे 2-3 बार मिक्सी को रुक रुक के चलाया था, जब जाके ये पाउडर बना है। तो अभी यहाँ पर छलनी लेंगे, उससे हम छान लेते हैं। जो मोटे मोटे पीस है ना, वो अलग से निकल जाएंगे ताकि बर्फी अच्छी सॉफ्ट बने। ये देखिए मैंने सारा पीस लिया है। अभी जो मोटा मोटा रह गया है उसको मैं दोबारा मिक्सी जार में डालकर पीस लेती हूँ। और ये देखिए सारा मैंने पीस लिया, जो लास्ट का बचा है देखिए 1 चम्मच के करीब इसे हम निकाल देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसे बारीक पीस लेना है। तो चलिए अभी उसी कढ़ाई में यहाँ पर 2 चम्मच हम देसी घी डालेंगे। घी आप कोई भी यूज कर सकते हैं जो आप खाते हैं। अभी इसमें साबूदाना डाल देंगे, जो कि हमने पीसा है ना वही डाल देंगे इसके अंदर। इसे ना अच्छी तरह से भून लेना है, जैसे हम सूजी को भूनते हैं ना वैसे ही 3 से 4 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर भून लेना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ना इसका एकदम अच्छी तरह से तैयार हो जाता है भूनने से, और वो टेस्ट भी अच्छा आता है बर्फी का। तो अभी उसी कढ़ाई में यहाँ पर दूध डाल देंगे, जिसे हमने मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह से तैयार किया ना, वही दूध इसके अंदर डाल देंगे। अभी दूध में उबाल आ चुका है और हाफ रह जाए दूध, उसके बाद इसमें साबूदाना डाल देंगे। अच्छी तरह से कड़छी को चलाते हुए थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, ताकि इसमें लम्स वगैरह न बने। तो थोड़ा थोड़ा डालिए, फिर इसको अच्छी तरह से मिलाइए। अभी ये देखिए अच्छी तरह से मिला लिया है। अभी ये ना 2 से 3 मिनट में गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि साबूदाना है जो कि दूध को अच्छी तरह से सोख लेगा। ये देखिए अभी चलाते हुए मैंने 2 मिनट हुई है और ये देखिए गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अभी यहाँ पर इसमें हम मीठा ऐड करेंगे, यानी चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चीनी लिए। ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डाल सकते हैं इसके अंदर। अभी अच्छे से मिला देंगे। अभी हमने चीनी डाली है, तो चीनी थोड़ा सा पानी छोड़ती है।
तो इसे कम से कम 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट कट किए हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। बादाम है यहाँ पर मेरे पास और एक पिस्ता डाले मैंने थोड़े से। अभी देखिए अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे। ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। जब ये कढ़ाई से अलग होने लगे तब तक इसे अच्छी तरह से पकाना है। हिलाते रहेंगे ताकि जो कढ़ाई है ना उसके नीचे लगने ना पाइए। तो देखिए अच्छी तरह से मिलाते हुए कम से कम 2 मिनट हो चुकी है और ये देखिए बहुत अच्छे से ना ये पक चुका है और कढ़ाई भी साइड साइड से देखिए छोड़ने लगी है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसे पका लेना है इस तरह। अब इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं जिसमें आप बर्फ़ी बनाना चाहते हैं उसी में आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक थाली ली है जिस पर मैंने घी लगा कर अच्छी तरह से फैला लिया है। उसके बाद इसमें सारे डाल देंगे जो हमने बैटर तैयार किया है, सारा डाल देंगे। अब इसमें फैला लेंगे। जैसे आप बर्फ़ी की सेप बनाना चाहें उसके अनुसार आप बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे इसे फैला लेंगे और ऊपर से गार्निश के लिए यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने ये कटे हुए बादाम और पिस्ता डाले हैं। ये देखिए इसके ऊपर से बहुत सारे डाल देंगे जो देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में भी अच्छा टेस्ट आएगा। ये बर्फी बहुत ही अच्छी बनती है और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी इसे नवरात्रि पर ज़रूर से ट्राई करना और आप इसे 3 से 4 दिन की बना सकते हैं या फिर हफ्ते भर की भी बनाकर स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए इसे थोड़ा सा टैप कर देंगे। ये देखिए अभी इसे 1 घंटे के लिए हम रेस्ट करने देंगे। 1 घंटे के बाद आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। वैसे भी 1 घंटे आप इसे बाहर रखेंगे ना तब भी अच्छी तरह से जम जाएगी। अब 1 घंटे के बाद देखिए मैं बर्फ़ी को कट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से जम चुकी हैं ये और बहुत ही अच्छे से कट हो रही। तो चलिए कट कर लेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको एक पीस। बहुत ही अच्छी बनती है ये बर्फ़ी, बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट रहता है और नवरात्रि में इन्हें खाने से लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगती है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने कट कर ली है, अभी एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, ये एकदम सॉफ्ट बनती है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है ये। और इनमें हमने मिल्क पाउडर डाला है जो कि मावे वाला टेस्ट भी देता है। तो चलिए सारी बर्फ़ी को निकाल कर यहाँ पर मैंने प्लेट में भी रख लिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी ये साबूदाना की बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। इस नवरात्रि पर आप ये ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और जो मेरे नए फ्रेंड हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखें।